नाउ स्टूडेंट्स पार्ट बी देखिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड डिवाइस, इमेज फॉर्मड इज एनलार्ज। बच्चों ध्यान दें, इमेज कैसी है? एनलार्ज है, मतलब इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना उधर ही इमेज बन रहा है बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्वेक्स लेंस का केस है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पोलर फोकस के बीच में रखते थे। याद होगा आपको शायद, एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। पोल कह रहा हूँ, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, जिसको आप ओ से दिखाइए या सी से दिखाइए। बच्चों ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ कहीं आपका, लेट अस अज्यूम यहाँ कहीं फोकस है, सही है। ये आपका फर्स्ट फोकस और ये आपका इतनी ही डिस्टेंस पे ये सेकंड फोकस है आपका, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब हम लोग यहाँ ऑप्टिकल, देखिए एक बात बताइए बच्चों, देखिए ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसी मतलब देखिए बात समझिए कि डिवाइस से जब आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो डिवाइस का मतलब क्या, डिवाइस की पोजीशन कहाँ मानी जाएगी, इस लेंस की पोजीशन कहाँ मानी जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर पे ही तो मानी जाएगी, है ना। ये सब हम क्लास में आपको बता चुके हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमने रखा ऑब्जेक्ट को, सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट ए बी, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट ए बी है, इसको हमने रखा कहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में। अब इसकी इमेज बनाने के लिए क्या करें बच्चों, एक काम करते हैं, एक रे हम ले जाते हैं कैसे, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल। तो ये देखिए, ये हम प्रिंसिपल एक्सेस के जब पैरेलल ले, तो ये पैरेलल लेगा तो ये कहाँ से पास होगी, आफ्टर द रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो प्रिंसिपल एक्सेस के जो पैरेलल है वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन कहाँ से पास हो गई, फोकस से। और बच्चों दूसरी रे हम कहाँ से पास करा सकते हैं बताइए, ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करा सकते हैं ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी वो सीधे निकल जाएगी ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से अगर आप आइज लगा के बच्चों देखेंगे तो इसको बैक ट्रेस करेंगे, तो ये देखिए इसको हमने किया बैक ट्रेस, ये ऐसे, और ये वाली जो है ऑप्टिकल सेंटर जा रही थी इसको भी हमने बैक ट्रेस किया। तो ये यहाँ कहीं मीट करेगा, पॉइंट ए की जो इमेज है यहाँ मिल जाएगी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बी की जो इमेज है यहाँ मिल जाएगी, बी डैश पे, यहाँ ए डैश बी डैश। तो देख लीजिए बच्चों आपकी जो इमेज है वो कैसी हो गई, एनलार्ज हो गई, यही इमेज है आपकी, ये एनलार्ज हो गई। और क्या है बच्चों, ये कैसा है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब लेंस के लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट रखा था, तो लेंस ये लेंस है और लेंस के लेफ्ट हैंड साइड ही इमेज आपकी बनी है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। डिवाइस का नाम क्या है यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस, ओके कर लीजिए।